नमस्कार दोस्तों, कहानी का नाम है बूढ़ी अम्मा की वास्तविकता। मेरी लिखी हुई और नई कहानियाँ रोज पढ़ने और सुनने के लिए कथा संचय चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। मुनिया गर्मी की तपती दोपहरी में अपने आंगन में घने आम के पेड़ की छांव में बैठकर अचार का मसाला कूट रही थी। तभी बगल के जमींदार बाबू के घर से उनकी बूढ़ी अम्मा के चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगी। वह बोल रही थी, दोपहर हो गई लेकिन मुझे अभी तक किसी ने नाश्ता तक नहीं दिया। हे भगवान, इस बुढ़िया पर किसी को दया नहीं आती। बहुरिया तो मुझे खाने को पूछती तक नहीं, वह तो यही चाहती है कि मैं भूखे रहकर बीमार पड़ जाऊं और फिर मर जाऊं, तभी इसे शांति मिलेगी। हे भगवान, इसने तो मेरे घर का सत्यानाश कर दिया। उनकी बातें सुनकर मुनिया सिर हिलाते हुए हंसने लगी। जब मुनिया नई नई ब्याह करके इस घर में आई थी और वह बुढ़िया अम्मा की बातें सुनती तो उसे उनकी बहू पर बहुत गुस्सा आता। वो सोचती कि कैसी औरत है ये जो अपनी सास को खाना तक नहीं पूछती, और जमींदार बाबू भी इतने बड़े संपन्न व्यक्ति होकर भी अपनी माँ का ध्यान क्यों नहीं रखते। फिर एक दिन मंदिर में मुनिया को जमींदार बाबू की पत्नी सोना मिली। सोना मुनिया से बड़े प्यार से मिले और उसने मुनिया से कहा कि कभी कभी हमारे घर में मिलने के लिए आ जाया करो, मुझे तुमसे बातें करके अच्छा लगेगा। वैसे तो मुनिया सोना के बारे में अच्छी राय तो नहीं रखती थी। उसे लगता था कि वह अपनी सास का ध्यान नहीं रखती, लेकिन उसने सोचा कि चलो देखते हैं बुढ़िया अम्मा किस हाल में रहती है। थाली में दो तरीके की सब्जी, दाल, रोटी और मीठे में हलवा रखा हुआ था। बुढ़िया अम्मा बड़ा स्वाद ले लेकर खाना खा रही थी। थोड़ी देर में मुनिया अपने घर वापस आ गई और सोचने लगी कि बुढ़िया अम्मा तो मजे से नाश्ता कर रही थी। तभी फिर से उनके चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगी। वो अपनी बहू को कोस रही थी और कह रही थी कि आज तो मुझे अन्न का एक दाना तक नसीब नहीं हुआ। हाय हाय, मेरा बेटा भी मुझे नहीं पूछता। मुनिया को बहुत आश्चर्य हुआ। वह जब दोबारा सोना से मिली तो उसने उसकी सास के इस व्यवहार के बारे में पूछा। तब सोना हंसते हुए कहने लगी, अब क्या बताऊं बहन, अम्मा जी को भूलने की बीमारी है, मैं उनके लिए सब करती हूँ। उनके बेटे भी उनका बहुत ध्यान रखते हैं लेकिन वह भूल जाती हैं, और पता नहीं उनके दिमाग में क्या चलता रहता है। वह हमें खूब गाली देती हैं, कोसती हैं, अब दूसरे लोगों को तो पता है। हाँ, तुम नई नई आई हो ना, इसलिए तुम्हें नहीं पता होगा। पहले शुरुआत में तो जब अम्मा ने चीखना चिल्लाना शुरू किया था तो सब लोग यही समझते थे कि हम अम्मा का ध्यान नहीं रखते हैं, लेकिन फिर धीरे धीरे सबको पता चल गया। हम अम्मा का इलाज भी करा रहे हैं पर अभी वो पूरी तरह ठीक नहीं हुई हैं, इसलिए हम उनकी यह हरकतें बर्दाश्त कर लेते हैं। अब कोई बीमार हो तो उसे क्या कहें। सारी सच्चाई जानकर सोना के लिए उसके मन में इज्जत और भी बढ़ गई। अब जब भी वह अम्मा के चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनती है तो उसे गुस्सा नहीं आता। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। धन्यवाद।